आइए इन काउंटिंग स्टिक्स की मदद से आसान तरीके से गुणा करना सीखें इस किट में पांच अलग अलग रंग की काउंटिंग स्टिक्स हैं यानी कुल मिलाकर दो सौ समझते हैं कि एक अंक की संख्या को काउंटिंग स्टिक्स से कैसे गुणा किया जाता है उदाहरण के लिए पांच और तीन को काउंटिंग स्टिक्स की सहायता से गुणा करें पहले पांच हरे रंग की स्टिक्स को वर्टिकली रखें और फिर तीन पीली स्टिक्स को हॉरिजॉन्टली रखें हमारे पास यहाँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं तो पाँच गुना तीन पंद्रह है इसी तरह दो अंकों की संख्या यानी बारह और तेरह को गुणा करें बारह का विस्तारित रूप दस जमा दो है इसलिए पहले हम एक हरे रंग की स्टिक को रखेंगे और फिर दो पीले स्टिक्स को वर्टिकली रखेंगे इसी तरह तेरह के लिए हम एक हरा और तीन पीली स्टिक्स हॉरिजॉन्टली रखेंगे यहाँ इन ग्रीन स्टिक्स का इंटरसेक्शन 100 है और पीली और हरी स्टिक का इंटरसेक्शन 20 और 30 है और इन पीली स्टिक्स का इंटरसेक्शन 6 है जिसका योग 156 है तो 12 13 156 है अब हम तीन अंक की संख्या को दो अंक की संख्या से गुणा करते हैं उदाहरण के लिए 124 21 लेते हैं 124 यानी 100 20 4 तो पहले एक नीला दो हरे और दो पीले स्टिक्स वर्टिकली रखें। फिर 21 दर्शाने के लिए दो हरी और एक पीले स्टिक हॉरिजॉन्टली रखें। तो यहाँ हमें दो हजार और चार मिलते हैं कुल मिलाकर दो इसी प्रकार अब हम चार अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से गुणा करते हैं उदाहरण के लिए 2121 को 32 से गुणा करें तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से पहले दो लाल फिर एक नीला दो हरे और एक पीली स्टिक वर्टिकली रखें, फिर तीन हरे और दो पीले स्टिक्स हॉरिजॉन्टली रखें। तो यहाँ हमें साठ हजार तीन हजार यानी सौ तीस चार हजार दो सौ चालीस दो कुल मिलाकर सड़सठ हजार आठ सौ बहत्तर होता है इस प्रकार हम किसी भी अंग का गुणफल आसानी से निकाल सकते हैं।